बिलीव करें, मैं इतनी एक्साइटेड, पहले से मैं इतनी एक्साइटेड थी. आपा का बर्थडे आ रहा, आपा का बर्थडे आ रहा. आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन. थैंक यू सो मच. मैं बाकी बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत खुशी थी कि आपा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए. तो मेरे लिए, बाकी मेरे लिए क्या, आप सब लोगों के लिए, तमाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. बिल्कुल है, हमारे लिए तो ये पिलर है खानदान का, और इनका होना बहुत जरूरी है, और इनकी सेहत बहुत जरूरी है, और इसी तरह इनकी उम्र बढ़ती रहे खुशियों के साथ, और ये हमारे दरमियान रहे तो हमारा घर जुड़ा रहेगा. जीते रहो अल्लाह मियां. बहुत मुबारक हो तुम सबको भी, मसाला को भी, और हम सबको भी बहुत शुक्रिया. और शाह शबा और बच्चों को, सबको बहुत दुआएं और प्यार, और बहुत मुबारक. बच्चों की शरारतें आप देख रही हैं? हाँ देख रही हूँ. किसकी कॉल आई है रामिस? कौन था फोन? है इमो दादी. इमो दादी थी फोन. हेलो रामिस. रामिस इमो दादी का फोन है. खिज्जू. हेलो कौन है? हेलो. एक्साइटेड हो? हाँ. कुछ नहीं, इनको कौन है? ये बहुत खुश है, ये बिल्कुल लगा बजा रहे हैं, वो भी शर्ट ऊपर करके तबला बज रहा है. ओके वेल, थैंक यू सो मच. थैंक यू इमो. थैंक यू इमो, जीती रहो, खुश रहो. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. बहुत अच्छा लगा बात करके. कॉल आई है, और ये दो शरारती बच्चे, मैं इंतजार हूँ कि ये लोग कुछ बोले. क्या करने वाले हैं? मुझे लग रहा है, कुछ डर लग रहा है कि हमारा सेट कहीं ना हिल जाए, वो ना हिलने लग जाए, इन लोगों की शरारतों के साथ. अच्छा जी, तो ब्रेक लेते हैं. अच्छा ब्रेक में एक काम कर लेती हूँ, मैं अंडा को अच्छे से बेक करके कुछ जो है उसको मैं फ्राई कर लूंगी यहाँ पर. हाँ, कुछ कर लो ताकि भरम रहे. अच्छा जी, तो ये मैरिनेट हुआ हुआ जो है उसको मैं अंडे की कोटिंग, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग और ऑयल में डीप फ्राई करते हैं. थोड़े से मैं कर लूंगी, थोड़े से नहीं करूंगी, करवाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, करूंगी मैं. यहाँ पर दो विटनेस भी हैं, आप प्लीज सच बोलिएगा. वेल आपा की बर्थडे है, खूब मजेदार बातें होंगी. सबा और शाह दोनों हमारे साथ हैं, दो छोटे क्यूट बच्चे, कोशिश करेंगे इनसे कुछ बुलवा लें बजाय किसी चीज के, तोड़ा ताड़ी यहाँ पर हो जाए ये नहीं हो. लेकिन सवाल आप लोगों ने बताना, आज आपा का कौन सा बर्थडे? 66 या 36, जो सही लगता है कमेंट में बताइए. ढेर सारे मैसेजेस करें, इस तरह की आवाजें खूब चलाते, बातें होती रहेंगी. लेकिन
कहानी जहाँ जुबैदा आपा की सेलिब्रेशन है उसमें से कोई एक, या तो फिर चिकन स्ट्रिप्स जो बन रही है ये शहीद हो जाएंगी या मैं शहीद हो जाऊंगी। आज मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ जी कुक कर सकूँ, पर मैंने ब्रेक में इतना काम किया है कि ये चिकन स्ट्रिप्स जो अब आपको नजर आ रही जो कि मैरिनेट करके रखी थी, वो एग कोटिंग के बाद, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ फ्राई कर लिए हैं थोड़े से और ये हो गए, और यहाँ बच्चों की शरारतें चल रही हैं। आपा के जो पोते हैं वो आपा के ऊपर जंप लगा रहे हैं, कहीं नीचे पहुँच रहे हैं, अभी नीचे पहुँच चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। बर्थडे सॉन्ग भी हो रहा था ना, बर्थडे सॉन्ग हो रहा था, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कैसे गा रहे हो? अभी तो मैं खास एक गाना लगवा ले ना, ये सलमान खान से डांस करवा लेंगे यहाँ पर। कैसे गा रहे थे हम, कैसे गा रहे थे, कोई और गाना गा दो। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, और जुबैदा आपा को मिसेस अमाज जो हैं उन्होंने गिफ्ट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा इतनी दूर से याद करने का, और तुम्हारी मोहब्बत जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ना, सुबह टेलीफोन भी किया था इसने मुबारकबाद का, और तुम्हारा तोहफा भी मिल गया, दोनों चीज़ें बहुत प्यारी हैं, कल मैं पहन के आऊँगी और तुम्हें हाथ दिखाऊँ। ओहो क्या बात है। अच्छा तो ज़्यादा आपा की और मज़ीद बात है, अगर अच्छा आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं, दो यहाँ पर लोग हैं जो कि घर वाले हैं, और घर के लोग जो हैं वो और अच्छे से बताते हैं कि बंदे किस तरह की नेचर है, क्या पर्सनैलिटी। अच्छा वैसे आपा यहाँ पर बहुत सॉफ्ट नेचर हमें लगती है आपा की, बहुत जिस तरह से आहिस्ता बोलती है आराम से, और मुझे लगता है गुस्सा आता है तो आपा शोर भी नहीं करती ना, एक होता है ना गुस्से में शाउट करने लगता है, नहीं तो वैसे घर पे भी ऐसी है हाँ, हमेशा से वही तो मैंने कहा गुस्सा आए तो सफाई करने लगती है। और वैसे सबा बहू है वो शायद और अच्छे से बताए, आप बताएं। नहीं एक चीज होती है कि आप हमेशा बहू को अपने बेटी की तरह करती हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा है, सास और बहू का ऐसा होता है, ऐसा ऐसे होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, बल्कि बेटी को कभी कभी बहू की तरह, अच्छा बेटी की तरह जाती बहू की तरह ट्रीट होने लगती है। अली राम अच्छा क्या क्या चल रही है ये तो आप बताएंगे कि जी कैसी बन रही है, कुछ बन रही है, थोड़ी सी फ्राई हो गई है और मैं इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी बिल्कुल, वरना मुझे उम्मीद थी कहीं स्कॉच टेप की स्ट्रिप्स ना बन जाए। पापा मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जी अच्छी बन जाए शक्ल, पापा जो यहाँ पर माशाल्लाह इतनी बेस्ट कुकिंग एक्सपर्ट हैं उनको टेस्ट करवाना, और फिर दो ऐसे लोग हैं जो पापा के हाथों का खाना खाते हैं तो वो भी जो है अच्छी तरीके से बता सकते हैं पापा। थैंक यू सो मच। अच्छा और जैसे आपा ने कहा कि बर्थडे तो हमारे घर में इतना कोई खास रिवाज नहीं है सेलिब्रेशन का कि सेलिब्रेट हो, इसके अलावा कोई खास कोई ऐसी बात जो आपा की आप लोग आज ऑनर बताना चाह रहे हो तो दिमाग में ऐसी आ रही, तुम बताओ। तुम्हारे बाकी पे डाल दिया जाओ ने। तुम बताओ ना, तुम मुझसे ज्यादा पहले से जानती हो। टाइम आपने भी काफी गुजार लिया ना आपा के साथ। हम बहन भाइयों के जितने माशाल्लाह 10 बहन भाई थे साथ रह गए, हमारी बर्थडे कभी भी अम्मी ने ऐसे नहीं की कि हम कहेंगे बर्थडे हमारी, बिल्कुल बस दुआ मिल जाती थी, बार बार तो अम्मी को याद भी नहीं रहता कौन किस दिन पैदा हुआ है। अच्छा अम्मी को नहीं याद रहता था ना नानी को, किसी को भी नहीं, ज्यादा बच्चे होते हैं और उस जमाने का रिवाज इतना रिवाज नहीं था कि याद रखें बर्थडे को, लेकिन जब हमारे बच्चे हुए और बहनों के बच्चे हुए तो घर में रिवाज हुआ खाना बना लिया, कोई एक आध चीज जो चाहिए वो अम्मी अब्बू ने दिलवा दी। अच्छा एक चीज मुझे आपा की इतनी अच्छी लगी, आपा सभा का बर्थडे था या वेडिंग एनिवर्सरी थी, दोनों थी उस दिन, तो उस दिन आपा को इतनी जल्दी थी प्रोग्राम से जाने की कि मैंने घर जाकर बुकिंग करना है, मैंने ख्याल करना आज घर में कुछ ऐसा होने नहीं देना है कि वो नाराज हो या किसी बात पे जो है ना कोई भी मूड ऑफ हो, मतलब मुझे खुशी हुई इस बात के लिए, मैंने कहा आपा वैसे यहाँ ना पहुंचे चिकन स्ट्रिप्स विद बलून करेंगे, लेकिन मुझे आपा की बात बहुत अच्छी लगी, बहुत कम मैं खास ऐसी सास होंगी जो इस तरह की बात सोचती होंगी कि बहू का मूड किसी बात पर खराब ना हो, मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ और वो करूँ कि मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, जिस टाइम
माशाल्लाह। इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन अम्मी की बर्थडे होती है ना उस दिन मेरे फादर की बर्थडे होती है और जिस दिन मेरी बर्थडे होती है उस दिन अम्मी की होती है। बट यू नो कभी भी शी इज नेवर मेड इट अ पॉइंट कि यू नो मुझे एहसास दिलाएं कि आज मेरी अम्मी की बरसी है मगर मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए तैयारी कर रही हूँ। कभी भी नहीं ये चीज कभी भी नहीं। बेटा ढंग से बैठो, अच्छे बच्चे। मैं ये कह रही थी कि ना ऑनर इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आपा की नेचर ऐसी है, बल्कि आपा घर में भी मतलब बच्चों के साथ घर वालों के साथ ऐसी है। चाहो हमेशा, पहले भी जब यहाँ पर आई थी तो शिकायतें लेकर आई थी, अम्मी ने ऐसे किया, अम्मी पूछती नहीं है, फोन नहीं कर रही होती है, अम्मी बहू के साथ ज्यादा बिजी। हाँ नहीं, बहू तो घर में है ना तो वो बाय डिफॉल्ट अम्मी को टाइम मिल जाता है। या लेकिन मुझे अच्छा लगा था ये बेटी के साथ से माँ के साथ शिकायत करना। लेकिन अम्मी से मेरी मुलाकात चैनल्स पे ज्यादा हो रही होती है। चैनल्स पे ज्यादा होती है। जैसे लास्ट टाइम आप प्रोग्राम में आ गई थी तो उस टाइम ज्यादा बातें हो गई थी, बैठ के अम्मी से गप लग जाती है। अच्छा, आपा के कौन से, आपा को खुद अपने खाने, ये खाना आपा को बहुत पसंद है या ये स्पेशली मूड होता तो बना लेती अपने लिए? खट्टी दाल चावल और लाल मिर्च लहसुन की चटनी और ये वाले खाने। और कौन सा ऐसा खाना जिसको आपा कहती बर्बाद हो गया, ये बकवास हो गया, प्लीज इसे नहीं खाना चाहिए? ये मुझे रेसिपी बिल्कुल पसंद नहीं है। पाए, निहारी, अच्छा ये पसंद है। और ये सारे खाने मुझे इतने पसंद है। अबू हमारे बिल्कुल नहीं पसंद, अबू वेजिटेरियन, अम्मा को पसंद नहीं, हुसैन को नहीं, इज नॉट फॉन्ड ऑफ दिस फूड। सबा को पसंद है सबा, लेकिन सबा का खाना ऐसा होता है जैसे सबा एहसान कर रही है। मतलब जैसे इतना सा शोरबा, बस थोड़ा सा थोड़ी सी रोटी, उनकी हेल्थ बता रही है कि मैं जो है ना बहुत थोड़ा खाती हूँ। बेटा था ठंडा लगा, हम से बैठो बेटा, ऐसे नहीं सोचा कि दिल खराब हो जाएगा, पता नहीं कैसे खा रही है। अच्छा, और अच्छा सबा से भी हम ये पूछेंगे कि घर में जब कुकिंग करती है तो टेंशन होती है तब कि अब जो है अम्मी ने टेस्ट करना है और उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ये तो सबा बताएंगे। हुसैन को टेंशन होती है, मैं अपने लिए कुछ बनाने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चों बिस्मिल्लाह, ये तो फटने हैं, जो हाथ में रहेंगे ये तो बिल्कुल फटने हैं। फट गया ये वाला बलून, फट गया। अच्छा जी, तो बच्चों की यहाँ पर मस्ती चल रही है। कुछ चिकन स्ट्रिप्स जो है मैंने फ्राई कर लिए, जो यहाँ पर मैंने रख दी हैं, कोशिश करूँगी बस इतनी जितनी ब्रेक में हो जाती है वो, और इसके बाद मैं भी आराम से बैठूँ, यहाँ टेंशन में मैं खड़ी हूँ, और रेसिपीज को डिश आउट करेंगे और खूब मजेदार बातें करेंगे क्योंकि जी स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। सवाल आप लोगों के लिए, आपने बताना आपकी आज कौन सी बर्थडे है, 66 या 36 जो सही लगता है, ट्रिपल 8 मंथ जल्दी से बताएं। बातें होंगी खूब मजेदार और शोर भी होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।